एक बार भीष्म पितामह ने दुर्योधन ने कहा, पितामह आप व्यर्थ श्रम करते हैं, 10,000 जिन महारथियों का वध करते हैं, मेरा शत्रु कोई नहीं है, मेरे शत्रु हैं 5 पांडव, एक को मार दीजिए अन्यथा आप युद्ध बंद कर दीजिए, सेनापति का पद कर्ण को दे दीजिए। भीष्म बिगड़ खड़े हुए, बोले ना लायक, जो पराक्रम मैं प्रकट करता हूँ भविष्य में कोई नहीं करेगा, मैं पूर्ण शक्ति से लड़ रहा हूँ, किंतु पांडव अवध्य हैं, वो भगवान कृष्ण के वरद हस्त के नीचे हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता, मारे जाओगे तुम लोग, विजय होगी पांडवों की, युद्ध में वो मारे ही नहीं जा सकते, हर पल उनके वरद हस्त के नीचे हैं, किंतु आज तुमने लांछन ज्यादा ही लगा दिया, जाओ कल युद्ध समाप्त। दूसरे दिन पिता में नारायण अस्त्र का अनुसंधान करने लगे, कौरव सेना तमाशा देख रही थी, पांडव सेना कर्तव्य का ज्ञान नहीं कर पाई, इस शस्त्र का तोड़ क्या कटे कैसे, वास्तव में उस शस्त्र को काटने का कोई साधन किसी के पास नहीं था। भगवान कृष्ण ने कहा, पांडवों ध्यान से देखो, ये सामने श्वेत पोष कौन खड़े हैं, बोले पूज्य हमारे पिता में भीष्म, क्या इनसे दुश्मनी है तुम लोगों की, बोले कभी नहीं, इन्होंने हमारी बड़ी बड़ी कामनाएं की है, इनका आशीर्वाद हमारे साथ है, तो बोले तब उनका स्वागत करो, बोले प्रभु स्वागत कैसे होगा, बोले पिता में से क्या लड़ना, सदैव जिनकी गोद में उल्टे पड़े रहे उनके सामने कैसा मान सम्मान, उनको पीठ दिखा दो, शस्त्र जमीन में रख दो, सब ने शस्त्र रख दिया, पूरी फौज घूम गई, अब नारायण अस्त्र चला वहां से, पूरी फौज की परिक्रमा करके भीम की ओर बढ़ा, भीम लगा गदा भांजने, कृष्ण भगवान ने कहा भीम पीठ दिखा दो अन्यथा मारे जाओगे। भीम ने कहा केशव ये उपदेश अपना अर्जुन को करिए, मैं शूरवीर हूं, गदा से तोड़ दूंगा नारायण अस्त्र को अन्यथा वीर गति पालूंगा, लेकिन युद्ध में पीठ नहीं दिखाऊंगा। उसने भी अपने मन में प्रतिज्ञाएं कर रखी थी, भगवान ने देखा ही लंठ भगत है यहाँ उपदेश नहीं काम करेगा, दौड़ के गए सीने से लगा लिया, इधर भगवान कृष्ण की पीठ उधर अर्जुन की पीठ, नारायण अस्त्र जी परिक्रमा करके लौट गए। उस दिन कोई मरा ही नहीं, उस अस्त्र का नियम था कि शस्त्र दिखाओ तब प्रज्वलित होता था, न दिखाओ तो निष्प्राण, ये रिमोट कंट्रोलर बहुत पुराना आविष्कार है, शस्त्र दिखाओ तो चल गया, टीवी नहीं चलता शस्त्र से, वो अस्त्र ऐसा कि जहां शस्त्र सैनिक ने हिलाया कि बस चढ़ बैठ, शस्त्र ही धर दिया। रात दिन जो जीव वध में प्रवृत्त हैं पांडव, किंतु जब जब संकट पड़ा तो कवच के रूप में भगवान स्वयं खड़े हैं, लोक में विजय समृद्धि और परम श्रेय की प्राप्ति। जब जीव मारा तो खटमल मारा तो इतना दान दो, जू मारा तो इतना दान दो, क्या है ये स्मृति कालीन विकृतियां हैं, और भारत में समान रूप से है, अहिंसा का स्वरूप भगवान कृष्ण देते हैं, अर्जुन तू पंडितों जैसी बातें करता है, किंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए उनके लिए, जो जीवित हैं उनके लिए न शोक करते हैं न अरस करते हैं, तू है पक्का अनभिज्ञ, शरीर में शेषव काल किशोर युवा प्रौढ़ जैसे अवस्थाएं आती रहती हैं, ऐसे ही अन्य अन्य शरीरों की प्राप्ति होती है, ये अवस्था 3-4 अन्य शरीरों की प्राप्ति का क्रम, जब तक अंतिम संस्कार रहेगा तब तक।
आगे कहते हैं एक शरीर, इसमें धीर पुरुष कभी मोहित नहीं होते। शरीर जैसे पुराने वस्त्र को फेंक कर मनुष्य नया धारण कर लेता है, ऐसे ही भूतादिकों का स्वामी आत्मा जिस शरीर रूपी वस्त्र को त्यागती है, त्याग कर नवीन शरीर रूपी वस्त्र धारण कर लेती है। शरीर एक वस्त्र, आप पर हमला हुआ, किसी ने आपका ये शर्ट पैंट बचा के रख ही लिया, तो क्या प्राण बच जाता है? आत्मा का वस्त्र है शरीर। अंतिम संस्कार का मिट जाना, चित्त का अचल स्थिर ठहर जाना और स्वरूप की प्राप्ति हो जाना एक ही साथ होता है। अर्जुन, शरीर नाशवान है, इसलिए तू युद्ध कर। तो शरीर यदि मार दोगे तो क्या मर जाएगा? फिर वस्त्र बदला, दूसरा तैयार। ये अंतःकरण की लड़ाई है, जो है नहीं उसकी रक्षा कैसी? आत्मा ही सत्य है, नित्य है। आगे कहते हैं अर्जुन, योग आत्मा ही सत्य है, उसे प्राप्त करने की नियत विधि योग विधि यज्ञ, उस यज्ञ को चरितार्थ करना कर्म, कर्म माने आराधना, कर्म माने चिंतन। इस नियत कर्म को किए बिना न संसार में कोई प्राप्त कर सका है भगवान को, और नहीं भविष्य में कोई कर सकेगा। अर्थात गीता एक ऐसा साधन क्रम है, इसके अलावा कोई तरीका है ही नहीं। जनकादि ऋषि इसी क्रम को करके परम निष्कर्मी स्थिति को प्राप्त हो गए, किंतु कर्मों के परिणाम में आत्मा विदित है, आत्म तृप्त है, आत्म स्थित है। उस महापुरुष के लिए किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है। उसका अब कर्म करने से लाभ है और नहीं छोड़ने से कोई क्षति। फिर भी ये महापुरुष पीछे वालों की हित की इच्छा से भली प्रकार कर्म में बरतते हैं। यदि सावधान होकर ये महापुरुष न बरते, समाज बरतने लग जाएगी, समाज भ्रष्ट हो जाएगी। फिर उनसे समानता करते हुए अपना परिचय देते हैं अर्जुन, मुझे भी तीनों कालों में कोई कर्तव्य शेष नहीं, प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं, फिर भी मैं पीछे वालों के हित की इच्छा से भली प्रकार कर्म में बरतता हूँ। यदि सावधान न होकर न बरतूँ, समाज बरतने लग जाएगी, समाज भ्रष्ट हो जाएगी और मैं इस प्रजा का हत्यारा बनूं। आत्मपथ से भटका देना हत्या है और आत्म परिणाम की रक्षा ही अहिंसा। मैं सावधान होकर न बरतूं, समाज बरतने लग जाएगी, समाज मैं इस समाज का हत्यारा बनूं। इसलिए ज्ञानी को चाहिए, जो कर्म में आसक्त अज्ञानी है, उनकी बुद्धि में भेद ने उत्पन्न करे, स्वयं करते हुए उनसे करावे, करके ही पाया जा सकता है। तो शुद्ध अहिंसक होते हैं ये महापुरुष, यदि लाइन न बतावे तो वो भी हत्यारे। आत्म परिणाम की रक्षा ही अहिंसा है। आगे कहते हैं अर्जुन, दुनिया में आत्मा ही शत्रु और आत्मा ही मित्र है, और दुनिया में न कोई शत्रु है न मित्र। जिस पुरुष के द्वारा मन सहित इंद्रियां जीती गई, उनके लिए उन्हीं की आत्मा मित्र बनकर मित्रता बरतती है, परम कल्याण करने वाली होती है, और जिनके द्वारा नहीं जीती गई, उन्हीं के लिए उन्हीं की आत्मा शत्रु है, शत्रुता बरतती है, अधोगति और नीच योनियों में फेंकने वाली होती है। इसलिए अर्जुन, अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करे, अधोगति में न जाने दे। तो इंद्रिय संयम के साथ आत्मा के प्रति समर्पण, आत्म परिणाम का रक्षा अहिंसा, और आत्म परिणाम का हनन करना ही हिंसा है। जो शरीर एक वस्त्र है तो मरा कौन? अवस्थाएं जैसे आती रहती, वैसे ही अन्य शरीरों का परिवर्तन। नित्य है, सत्य है, आपके हृदय में छिपा आपका स्वरूप है, उस स्वरूप की रक्षा ही अहिंसा है। गीता, रावण हिंसक था, पापी था, कृपा रहित
रामचरितमानस और अहिंसा, निशाचर हिंसक थे, पापी थे और राम जी अहिंसक थे, किंतु इनके मृत्यु दर देखी जाए तो रावण की अपेक्षा राम जी का जीव वध का आंकड़ा कहीं ज्यादा है। दशमुख सभा बैठी कबारा, देखी अमित आपन परिवारा, सुत समूह जन परिजन नाती, गिनई को पार निशाचर जाती। सुत का समूह जन परिजन और नाती, गिनई को पार निशाचर जाती। अपार तो निशाचरों की जातियां थी, किंतु राम अभिमुख यस हालत तुम्हारा, रहा न कुल को रोवन हारा। अपार निशाचर राम से विमुख वो हाल हुई कि कुल में कोई आंसू बहाता और जलदाता नहीं बचा। वो आदमी थे, उनकी वृत्ति आसुरी थी, वो सीताजी से विवाह करने के प्रत्याशी थे। यदि बंदर भालू होते तो क्या मानवी से विवाह करते? आप ही लोगों में से थे भगवान। इसलिए रावण ने तो योजना ही बनाई थी, राम जी ने अंत कर दिया। भगवान राम जब थोड़े किशोर हुए तो पावन मृग मारे जिए जानी, नित्य उठ पित ही दिखा वही आनी। पवित्र मृग, तेज सर्राट कुलाच भरता हुआ मृग मार के लाके गिरा दिया, देखिए पापा श्री ये कैसा। बोले पुत्र राम, तुम हमारे सुयोग्य संतान हो, ये नहीं कि लूला लंगड़ा अपाहिज तो कोई मार के ले आएगा। मिर्गा मारते थे, इस स्मृति में लिखा मिर्गा मारो तो इतनी गाय दान दो। और जब वनवास हुआ, पहले दिन सीता जी आंसू बहा रही थी, लक्ष्मण क्रोध में तमतमा रहे थे, फिर भी धैर्य के साथ राम जी ने चार मृगों का वध किया। उस दिन उपवास किया, दूसरे दिन चार हिंसक मृगों का वध किया, फिर भोजन किया। इस प्रकार राम छात्र धर्म का पालन करते रहे। 14 वर्षों में छात्र धर्म पालन में 25,000 मृगे तो वैसे ही मर गए, जिनके एक एक के मृत्यु पर पता नहीं कितना कितना मृत्यु कर लगा हुआ है अहिंसा के नाम पर। और मारीच वगैरह जो खुरापाती आ गए वो अलग संख्या। आगे जब बढ़े तो जब सीता का अपहरण हुआ, घमासान युद्ध हुआ और रावण की अपार वाहिनी सब जमीदोज हो गई, खून की नदियां बह गई, किंतु रावण भी फिर जिंदा हो जाए। अंत में जब रावण मारा गया तो कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा। अपार निशाचरों का वध, जहां तक जीव वध का आंकड़ा देखा जाए तो रावण की अपेक्षा राम जी के पास ज्यादा है। 1,00,000 वर्ष की आयु में रावण ने जो आतंक किया, वध हत्याएं की, ये कहीं संख्या आगे है। क्यों? अपार थे अपारों नदारत। आखिर क्या है अहिंसा? वास्तव में रावण हिंसक और पापी था। रावण ने कृपा रहित हत्याएं बराबर, बल्कि आंकड़ा ज्यादा, लेकिन राम है अहिंसक और धर्म की धुरी को धारण करने वाले, और रावण है हिंसक और पापी। कृपा रहित हिंसक सब पापी, वर्णी न जाए विश्व परितापी। रावण का जब परिवार बढ़ा, कृपा रहित हिंसक और पापी, विश्व को परिताप देने वाले, उनकी अनीति का वर्णन ही नहीं। वर्णी न जाए अनीति, घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पापनि कवन मिति। अनीति का वर्णन ही नहीं किया जा सकता।
घोर निशाचर जो करते थे, क्यों कि हिंसाई पर जिसकी प्रीति थी, भला उनके पापों की कैसे गणना होगी। क्या थी हिंसा? जय विधि हो ही धर्म निर्मूला, शोषब कर ही वेद प्रतिकूला। जिस उपाय से धर्म का मूलोच्छेदन हो जाए वही सब करता था रावण, ये थी हिंसा। धर्म निर्मूल तो तब होगा जब ही मालाधारी धर्म गुरुओं की चोटी पकड़ के उखाड़ दो। जय जय देश धेनु दुज पावहि, नगर गांव पुर आग लगावहि। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, विप्र देव गुरु मानन कोई। जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुने दस सीसा। आपने उठी धावई रहे न पावई, धरी घालई सब खीसा। कहीं जप करता देख ले रावण, तप करता निगाह में पड़ गया। जोग और वैराग्य में प्रवृत्त कोई व्यक्ति दिखाई पड़ गया। बहुत तरीके से त्रास देता था, देश निकाला देता था, पूरी सृष्टि तो रावण का ही देश था। ओ ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनु धारी, दशमुख वसवरती नर नारी। जहाँ तक विदाता से उत्पन्न सृष्टि थी वो तो दशमुख के वश में थी। विदाता की सृष्टि के बाहर देश निकाला, किसने उस टापू को गढ़ा? क्या था देश निकाला? मृत्यु दंड। इस शरीर से, इस देश में, विदाता की सृष्टि में तुम्हें रहने का अधिकार नहीं। और फिर भोजन भट्ट तो थे ही पीछे लगे हुए, तो अशभ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुनिए नहीं काना। ते ही बहुविधि त्रास ही देश निकास ही, जो कह वेद पुराना। लोग कहते हैं रावण ब्राह्मण था, पता नहीं कैसा ब्राह्मण था। जय जय देश धेनु द्विज पावे, नगर गांव पुर आग लगावे। नगर में, गांव में, छोटे छोटे टोले टपाड़ी में आग लगा देता था कि शुक्ला जी को क्यों बसा लिया तुम लोगों ने, अपराध तो इतना ही था ना। खैर वो प्रश्न अलग। तो धर्म निर्मूल, उसने चौकियां नियुक्त कर रखी थी, जहां कहीं धर्म कर्म होता हो उसका विध्वंस कर दो। किंतु भगवान राम जब वनवास काल में गए तो एक अस्थियों का पहाड़ देखने को मिला। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछा मुनि ने लागी अति दया। बड़ी दया लगी, ये नरकंकालों का ये पहाड़ कैसा? मुनियों ने कहा, प्रभु आप तो सब जानते हैं फिर भी पूछते हैं, आप ही पूछते हैं तो बताना ही होगा। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। निश्चर ही न करूं मही, भुज उठाए अपन कीन। सकल मुनि के आश्रमनी, जाए जाए सुख दीन। बोले मैं पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा। भुजा उठा के प्रण किया, मुनियों को आश्वस्त किया और अंत में मूलोच्छेदन कर भी दिया। तो मृत्यु आंकड़ा देखा जाए, वध की आंकड़े रावण की अपेक्षा राम जी के पास ज्यादा ही है। रावण ने तो केवल योजना बनाई थी कि धर्म को उन्मूलन कर दूंगा, किंतु राम जी ने निशाचर का उन्मूलन कर दिया। क्या है अहिंसा? धर्म का रक्षा, धर्म का अंत करना हिंसा, धर्म की रक्षा ही शुद्ध अहिंसा है। धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा, सकल द्विजन मिली नायऊ माथा। सारे विप्रों ने सिर झुकाया, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं रावण। धर्म ही है क्या? धर्मन दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई धर्म नहीं। तो भला सत्य क्या? कि ये वस्त्र हमारा है, ये फ्लैट हमारा है, क्या हम सच बोलते हैं? शरीर हमारा नहीं तो इसके ऊपर ढांपा वाला लियाफ हमारा कब? सत्य क्या? तो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी,
सतचेतन घन आनंद राशि कण कण में व्याप्त है, एक है भगवान, एक से दो कभी हुआ ही नहीं, व्यापक एक वृहद है, इसलिए ब्रह्म है, अविनाशी है, सत्य है, चेतन है, असीम आनंद की राशि है, एक परमात्मा। इसके समान सत्य के समान कोई धर्म नहीं, किंतु सत्य को साधा कैसे जाए? तो परम धर्म श्रुति विदिते अहिंसा पर निंदा समय अग्न गरीसा। परम धर्म है श्रुति विदित अहिंसा, श्रुति नाम किताब का भी है, वेद कुछ पुस्तकों का भी है। एक एक बिटिया का नाम था लक्ष्मणिया, पाती थी गोबर, नाम पृथ्वी पाल और भूई विश्व भर नाही, तो नाम रखना अलग, श्रुति मन की दृष्टि का नाम है। ये सूरत हम यहां बैठे हैं, अन्नायास 3600 रंग बरसते हैं, हमारा मन कर्म वचन से हमारी मन उस सूरत मां लगी है दृष्टि। कोई मन में ये भाव भर पैदा हो जाए कि लो तिजोरी का तो ताला खुला ही छोड़ा है, लड़का हाथ बढ़े कहीं देने बहने कर दे, फिर आपका मन नहीं लगेगा। कान खुले हैं कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा, आंखें खुली दिखाई नहीं पड़ेगा। कोई कान में आके कह दे कि लड़का छत से गिर गया, बेहोश अस्पताल गया, चाहे 3600 रंग बरसते हों, आंखें खुली न कुछ दिखाई पड़ेगा, कान खुले न कुछ सुनाई पड़ेगा, जबकि एक मिनट पहले हम उसी में खोए हुए थे। बच्चे का एक एक रोमा दिखाई पड़ेगा, नाखून कैसी, बरौनी कैसी, पलकें कैसी। वस्तु नहीं है जो वस्तु का नक्शा खींच देती है, इस दृष्टि का नाम सूरत है। ये दृष्टि संसार में फैली हुई है, मन की दृष्टि, इसी को समेट के चिंतन में लगाया जाता है, इसलिए भजन का एक नाम है सूरति योग। संत कबीर ने इस पर बहुत बल दिया, जागरी मोरी सुरत सुहागिन, का शोवत है मोह निशा में, उठ के भजनिया में लागरी मोरी सुरत सुहागिन। जाग मेरी सूरत सुहागिन, ये सूरत सुहागिन उस दिन से होती है जिस दिन से भगवान मन से जागृत हो जाए, मार्गदर्शन करने लगे। उस टाइम भगवान के वरद हस्त के नीचे जब चलती है साधना, उस वक्त ये सूरत सुहागिन है। किंतु जाग का मोह निशा में पड़ी हो, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखें सपने अनेक प्रकारा, तो का शोवत है मोह निशा में, उठ के भजनिया में लागरी मोरी सुरत सुहागिन। क्या मोरूपी रात्रि में अचेत पड़ी है, जागो और भजन में लगो। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जीवात्मा को जगा हुआ तब समझना चाहिए जब संपूर्ण विषयों से वैराग्य हो जाए। तो जाग के करें क्या, तो चित दे शब्द सुनो श्रवणन लगी, उठत मधुर धुन रागरी मोरी सुरत सुहागिन। चित्त को लगाओ, शब्द को सुनो, श्वास में लग के, भजन का उतार चढ़ाव श्वास पर है। आरंभ में जब शुरू में मन नहीं लगता, चंचल है, तो फिर माला जरूरी, फिर जबान से जपो, कंठ से जपो, लेकिन विशुद्ध साथ भजन चिंतन नाम जप का उतार चढ़ाव श्वास पर है। पूज्य गुरु महाराज जी का कहना था कि श्वास सिवाय नाम के और कुछ कहती ही नहीं। हम बहुत दूर भटक गए श्वास की निर्मल अवस्था से,
इसलिए सुनाई नहीं पड़ता। तो पहले वेखरी, फिर मध्यमा, फिर पश्यंती, और पश्यंती की पूर्ति हो गए परावाणी के प्रवेश में जा पहुंचे तो सांस में जो प्रसुप्त शब्द है वो जागृत हो जाएगा।